तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ दफ्तर के वर्क प्रोफाइल के बारे में। तो जैसे कि मान लो मैं हूँ, मैंने कोई सिग्नल बनाया या फिर मैंने कोई किसी वर्क का किसी डाक का रिप्लाई बनाया, तो इस तरह से मैंने रिप्लाई बना दिया, मैं इसको ना उठा के इधर रख दूँगा, ठीक है, या फिर इधर रख दूँगा, ठीक है। तो दफ्तर ही आएगा और इसको उठा के यहाँ से ले जाके हमारे सुपरवाइज़र के पास रख देगा, ठीक है। सुपरवाइजर साइन करके इसको आगे डीआईजी सर और आगे साइन के लिए भेज देंगे, वो साइन होकर के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो साइन होकर के आई है डाक, डिस्पैच भी करने के लिए रख दूंगा, वो दफ्तर ही जाके डिस्पैच करवा के लाएगा। तो इसकी जो एक ऑफिस कॉपी होती है जो हमारे पास रहेगी, एक कॉपी इसको पूरा इकट्ठा करके दफ्तर को दे दूँगा। उसको इस तरह से उसकी जो एक कॉपी है वो अपने पास फाइल की जाती है, ये सब दफ्तर ही करता है, इस तरह से फाइल कर देता है। इसके अलावा दोस्तों नए नए रजिस्टर जो होते हैं उनकी इस तरह से जिल्द वगैरह चढ़ानी होती है उन पर। और उसके अलावा दोस्तों इस तरह से कोई भी चीज़ हमें पेस्ट करनी है तो दफ्तर इसको काट के ऐसे पेस्ट कर देगा रजिस्टर में, तो पेस्टिंग वाला काम उसी का होता है। इसके अलावा दोस्तों इस तरह से रजिस्टर होते हैं जिनमें डाक आती है बाहर से, जैसे ये बाहर से आती है सेक्शन के लिए, तो उनको एंट्री करना और सेक्शन वाइज बांटना, सेक्शन वाइज दे देते हैं किस किस डीलिंग के पास कौन सा जाएगा, तो सेक्शन वाइज ये सब बांटने का काम उन्हीं का होता है दफ्तरी का। और इस तरह से उसको एक हम टेबल दे देते हैं अलग, तो उसकी एक टेबल होती है, इस टेबल पे बैठ कर वो अपना सारा वर्क करता है, जैसे ये कितने रखे हैं फाइलिंग वगैरह करने के लिए और नंबरिंग वगैरह करनी है पेज की, है ना, पेस्टिंग करनी है, कुछ भी ऐसा काम जो हेल्प के तौर पर करवाया जाएगा तो वो दफ्तरी करेगा। इस तरह से दोस्तों सीआरपीएफ एंड कॉन्स्टेबल या फिर जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है उनकी हेल्पर के लिए जो होते हैं वो दफ्तरी होते हैं। टाइम से ऑफिस आना, टाइम से ऑफिस जाना, इतने काम होता है बस।